पटना जंक्शन पे रात होते ही क्या क्या कारनामा होता है, इसी को दिखाने के लिए आज हम निकल पड़े हैं। देखिए माँ के लिए ऐसा बात है, लीजिए माँ को खिलाइए। तू भैया रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे बैठिए, अब बैठा हम अपना मोबाइल से बात किया, मेरा हाथ से छीन लिया, छीन करके भैया क्रांतिवीर कर दिया मेरा भाई, क्रांतिवीर कर दिया मेरा भाई, क्रांतिवीर कर दिया मेरा भाई, क्रांतिवीर कर दिया मेरा भाई। ये रात होते ही वेश्यावृत्ति भी होती है और चोर लुचक्का भी घूमते रहते हैं। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए इस वक्त हमारी उपस्थिति पटना जंक्शन पे है और पटना जंक्शन पे रात होते ही क्या क्या कारनामा होता है, इसी को दिखाने के लिए आज हम निकल पड़े हैं पटना की सड़कों पे। और इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना जंक्शन पे है और हमारे साथ एक भाई साहब हैं, इनसे हम बात करें कि इनके साथ क्या घटना घटा है। ऐसे यहाँ तो बहुत सारे कारनामा होता है जिसको दिखाना भी बाकी है, यहाँ वैसे वैसे कारनामा होता है जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। चलिए फिलहाल हम इनसे बात करते हैं, क्या हो गया आपके साथ? हाँ भैया, हम अपना सिटी के अंदर से आ रहे हैं, आए हम अपना जंक्शन में, जंक्शन से आए हम आए तो बोले भैया हमको खाना खिलाया, तो हम कहे भैया हम खाना नहीं खिला सकते हैं, लेकिन हम आप पैसा लीजिए। तो वो आदमी हमको बोला माँ का लिए पैसा मांग रहे हैं, कहे माँ के लिए, तो हम माँ के लिए हम खुद खा के आ रहे हैं, लेकिन माँ के लिए ऐसा बात है, लीजिए माँ को खिलाइए। तो भैया रिक्वेस्ट किया कि यहाँ पे बैठिए, अब बैठा हम अपना मोबाइल से बात किया, मेरा हाथ से छीन लिया, छीन करके भैया क्रांतिवीर कर दिया मेरा भाई, क्रांतिवीर कर दिया। हाँ, ये घटना कब हुई आपको? ये अभी जस्ट अभी जस्ट हुआ भैया। कहाँ से आप हैं? अभी हम सिटी पटना जंक्शन से हम हैं, पटना सिटी से। हाँ, पटना नूर के चौराहा का जंक्शन से हम हैं। देखिए ये विकलांग है और इसका फायदा एक चोर लुचक्का ने उठा लिया और इनसे बात करके बात करते करते इनके हाथों से मोबाइल लेकर के भाग गया, यही हुआ ना? हाँ भैया। क्या क्या बात किया वो आपसे? वो इसी बात बोला हम माँ से जरा बात कराऊंगा, बस माँ का बात पर वो मोबाइल लेकर भाग गया। बाकी उसको खोजने की वजह बजे देखा बजे कहाँ निकल, और बाकी बोला वो है कहाँ, कहीं है नहीं। ये यही से हुआ या नीचे से हुआ? मैं नीचे से हुआ, नीचे से हुआ। हाँ देखिए ये पटना जंक्शन है, अगर आप पटना आ रहे हैं तो थोड़ा संभल कर आइएगा, यहाँ पे वेश्यावृत्ति भी होती है, ये बात आप जान लिए। जी आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यहाँ पे वेश्यावृत्ति भी होती है और वेश्यावृत्ति इस कदर होती है जैसे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपसे पहले पूछने आएगी क्या आपको चाहिए, रात कटाना है हमारे साथ, तो आप हाँ कहिएगा तो जो बाहर के जो भैया है, जो बाहर के से जो सब मुसाफिर आ रहे हैं उनको पता नहीं होता है, उनको प्लेटफॉर्म के अंधेरे में ले जाता है, प्लेटफॉर्म जहां लाश होता है वहां अंधेरा होता है, वहां ले जाने के बाद उनके साथ छिनैती हो जाता है, जो उनके पास रहता है कमाया हुआ धन या पर्स हो, मोबाइल हो, घड़ी हो, चैन हो, जो भी हो लूट लिया जाता है और फिर गांड पे लात मार के भगा दिया जाता है। यही सच्चाई है यहाँ पे और वो भी हम दिखाएंगे कैसे यहाँ पे वेश्यावृत्ति होती है, रात होते ही वेश्यावृत्ति भी होती है और चोर लुचक्का भी घूमते रहते हैं, तो इसी को दिखाने के लिए आज हम पटना जंक्शन पे आए हैं। और हमारे साथ एक भाई साहब है, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। मोहम्मद मुश्ताक आलम जी, मोहम्मद मुश्ताक आलम जी हैं और इनके साथ इनका एक पैर जो है विकलांग है, पोलियो मारे हुए, इसका फायदा उठाकर एक ने मोबाइल लेकर भाग गया और वो भी हम दिखाएंगे कि यहाँ पे वेश्यावृत्ति कैसे होती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें, धन्यवाद।